Audio Jungle. So now students, today I am going to start Mental Mathematics Class 6 Lecture 2. ये student Chapter 2 whole number के ऊपर depend है, ठीक है। अब इसमें क्या है, third question में इसके हैं state whether following statement are true or false, हमें बताना है। तो देखिए पहले question में क्या है कि between any two whole number, there is a whole number। अब मान लीजिए हम दो any two whole number, ठीक है, कोई दो होल नंबर ले लें, मान लो टू और थ्री ले लिया, तो अब इनके बीच में कोई एनी टू, मतलब क्रम से हमें लेना है, एनी टू इसमें लिखा जरूर है, देयर इज अ होल नंबर, तो टू और थ्री के बीच में कोई होल नंबर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि टू के जस्ट बाद थ्री आता है, ठीक है, देयर इज अ होल नंबर, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इफ जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर, अब स्टूडेंट्स अगर हम जीरो को किसी होल नंबर से डिवाइड करें, देखिए सेकंड वाले में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज नो होल नंबर, ठीक है, यह अच्छा। अब इसके बाद जो है तो जीरो इज डिवाइडेड, तो जीरो को अगर डिवाइड करेंगे हम वन से तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, जीरो अपॉन टू करोगे तब भी जीरो आएगा, जीरो अपॉन थ्री करोगे तब भी जीरो आएगा, तो द क्वेश्चन इज जीरो, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें देखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड में क्या है, एफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, ठीक है, ये कह रहा है कि ए इज लेस देन बी है। अब मान लीजिए हम दो नंबर लिख दें स्टूडेंट, टू लेस देन थ्री, ठीक है, तो इसमें हमें बताना क्या है कि क्या ए प्लस वन जो है वो लेस देन बी प्लस वन होगा। तो अब देखिए दो, टू छोटा है थ्री से स्टूडेंट, तो अगर हम दोनों साइड इसमें वन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो अब भी देखिए थ्री लेस देन फोर आया, चूँकि तीन चार से छोटा होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एक एग्जाम्पल देके हमने आपको उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है फोर्थ वाले में, ठीक है, डिवीजन इज नॉट द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये फॉल्स है, क्योंकि डिवीजन ये है वो उसका इनवर्स ही होता है मल्टीप्लिकेशन का। देखिए जैसे हमने यहाँ पर डिवीजन इज नॉट द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वन बाई टू लिखा है, तो अगर इसको रिवर्स करोगे तो ये टू बाई वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये कह रहा कि ये नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि टू और वन बाई टू का अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टू है और ये इसका इनवर्स है वन बाई टू, ठीक है। फिर फिफ्थ वाले, द प्रोडक्ट ऑफ एनी गिवन होल नंबर एंड जीरो इज जीरो, तो ये आपको पता ही है कि जीरो से अगर किसी भी होल नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटू सिक्स करोगे तब भी जीरो आएगा, जीरो इंटू हंड्रेड आप करोगे तब भी जीरो आएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट में कह रहा है कि द होल नंबर बिटवीन 31 और 51 के बीच में हमें लिखना है, ठीक है, 31 और, तो देखिए ये 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, तो इसमें 31 और 51 के बीच में कितने नंबर होंगे वो हमें बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम अगर इसको ऐसे ना लिख करके, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 51 में से हम 31 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 20 आता, तो हमने स्टूडेंट अभी 51 में से 31 को हटाया है,
लेकिन 51 अभी भी है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है इसको सबट्रैक्ट करने में से जो आएगा उसमें से 1 को और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 19 नंबर आएंगे। तो हमने आपको लिख के इसलिए बताया कि आप इनको काउंट करो तो 19 ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नंबर आए, तो इसलिए आंसर 19 होगा। तो ये तरीका है कि चूंकि इसमें 51 में से 31 को सबट्रैक्ट किया तो 31 तो निकल गया लेकिन 51 अभी भी बचा है, तो इसको सबट्रैक्ट करने पे 20 आया, तो इसका मतलब है 31 को हटाने के लिए इसमें से 1 और लेस करेंगे तो 19 आएगा। ये इसका तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए विच नंबर इज ओनली होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 0 हमारा जो है वो क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि -1 ना तो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, तो 1 और 0 में कौन सही होगा, तो 0 सही होगा, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले का, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये हमारा जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद है एन, अगर हम एन से एन को डिवाइड करें और एन ही मिले तो इस केसेस में क्या होगा, जब एन की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 1 को तो 1 ही मिलेगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। स्टूडेंट्स व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है स्टूडेंट जिसमें जिसमें अगर हम किसी नंबर में उस एलिमेंट को जोड़ने पर उसमें कोई फर्क ना पड़े, 0 में हमने 2 को जोड़ा तो 2 ही आया, तो इसलिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस फोर्थ वाले का आंसर जो है वो ए होगा। एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाई इट्सेल्फ, ठीक है, गिव द क्वेश्चन, एनी नॉन जीरो होल नंबर जैसे 2 है डिवाइडेड बाई, इसको 2 से ही डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो आंसर क्या है इसका, सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस वाले का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे, थैंक यू स्टूडेंट्स।